हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से रिव्यू लेके आई हूँ आजियो से परचेज़ किया हुआ हैंडबैग का। तो ये मैंने मोजो और मेट्रो के हैंडबैग मंगाए हैं आजियो से। तो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैं मोजो के हैंडबैग का रिव्यू कर देती हूँ। इस तरह का ग्रीन कलर का हैंडबैग लिया है मैंने, और इसमें आपको बैग चैन मिल जाएगी इस तरह से है। तो यहाँ आपको बैक चैन मिल जाएगी वी शेप का, इस तरह का आपको मिल जाएगा डिज़ाइन। इसमें आपको तीन कलर और मिल जाएंगे, एक ग्रे कलर है इसमें और अवेलेबल, और एक पीच कलर है। हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं, तो आप उसका स्टॉक में आने का वेट कर लीजिएगा। और इसके रेट जो हैं चेंज होते रहते हैं। तो मैंने इसको परचेज़ किया था 847 में, वरना इसका जो प्राइस है 1247 है। तो मैंने जो डिस्काउंट प्राइस में परचेज़ किया है तो 847 में मुझे पड़ा है, क्योंकि मैंने दो बैग परचेज़ किए हैं तो मेरा डिस्काउंट लग गया था, कोड लग गया था, तो मैंने 847 में से परचेज़ किया। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा ये बैग है, और पूरा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन। इसमें आपको टू कंपार्टमेंट मिल जाएंगे इस तरह से, और आप देख सकते हैं इसमें आपको दो कलर भी अवेलेबल हैं। तो आपको ये बैग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ ना तो 10/8 दूंगी, क्योंकि मुझे ये उतना ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं लगा। सेकेंड बैग ये है, ये जो बैग है ये मेट्रो का है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। इसमें भी आपको दो कलर मिल जाएंगे, ग्रे कलर और एक पर्पल कलर इसमें आपको मिल जाएगा। तो पर्पल ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, और जो ग्रे कलर है उसमें थोड़ा सा मैरून कलर का कॉम्बिनेशन है, और ये जो है ग्रीन इसमें ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो आप देख ही सकते हैं ग्रीन वाला पीछे आपको इस तरह का चैन मिल जाएगा, लाइनिंग वाला पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा, आगे आपको मेट्रो का लोगो मिल जाएगा, इस तरह का बेल्ट मिल जाएगा। अंदर आप देख सकते हैं तो आपको 3 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे जो कि काफ़ी स्पेशियस हैं। और जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट है उसमें आपको अंदर एक चैन मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। और पहले वाले से क्या पीछे ही थोड़ा सा बड़ा है, मुझे बड़ा लगा। इसमें आपको बेल्ट मिल जाएगा जिसे आप आराम से एक स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों बैग में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा बैग, प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बैग ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे ये बैग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर मैं इसको रेटिंग दूंगी तो मैं 10/10 इसकी रेटिंग दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी लुक इसका ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप ज़रूर अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं ऐसी तरह की और वीडियो बना सकूँ। थैंक